हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरगम नेचुरल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि किस तरीके से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अपने मेहंदी में ऐड करती हूं और मैं किस तरीके से लगाती हूँ। तो आपको भी लगाना है, आप में से कोई भी लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से आप लगा सकती हैं घर पर। तो मैंने यहाँ पर निशा मेहंदी लिया हुआ है, आप देख सकती हैं। और अगर आप लोग जो भी मेहंदी आप लगाती हैं वही ले लीजिए तो इस तरीके से। और जो मैं मेहंदी में ऐड करने वाली हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन लिया है। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं, तो इस तरीके से हमारे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं रहेंगे, एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं। तो आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन थोड़ा सा ऐड किया। इसके बाद मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है, तो कॉफ़ी पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी बाल को अपने रेड करना है। और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ले रही हूँ, तो आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं क्योंकि ऑयल हमें अपने बालों के, जो हमारे बालों की स्कल्प होती है उससे हम थोड़ा ड्राई ना रहे इस तरीके से, तो इसलिए हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। साथ ही मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ। अब मैं विटामिन ई की कैप्सूल इसमें 2 ऐड करूँगी। इसके जितने भी ऑयल हैं मैं उसको निकाल के इसमें डाल रही हूँ इस तरीके से, और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मेहंदी अभी लगाने के लिए रेडी हो चुका है। मैं इसको अच्छे से मिला ली हूँ और मैं अपने बालों पे लगाऊंगी अब। और मुझे नीचे के साइड ज़्यादा मेहंदी नहीं अप्लाई करना है, ऊपर की साइड करना है क्योंकि मैं नीचे के साइड थोड़े टाइम बाद में करने वाली हूँ हाइलाइट्स अपने बालों में। तो जब ये हमारा जो है मेहंदी 15 दिन हो जाएगा तो मैं अपने बालों में हाइलाइट्स करूँगी, क्योंकि मैं ऊपर की साइड ज़्यादा लगाऊँगी, नीचे की साइड नहीं लगाऊँगी। और हाइलाइट्स जब भी आप करें, या आप कोई लेडीज हैं तो अगर आप में से कोई करना चाहती हैं तो आप मेहंदी का गैपिंग रखें। अभी आप बालों में मेहंदी लगा रही हैं तो आप इसको 1 से 1.5 महीना 2 महीने की गैपिंग रखें, तभी आपकी हाइलाइट्स आपके बालों में अच्छे से जो उसका कलर है तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आप कितना भी लगाने की कोशिश करें लेकिन वो अच्छे से कलर नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से आप देख रख सकती हैं मैंने लगा लिया हुआ अच्छे से मेहंदी, और मेरा लग भी चुका हुआ है। तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी, बहुत ही ऊपर की साइड लगा रही हूँ, नीचे के साइड ज़्यादा मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ थोड़ी सी क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।